ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वो आत्माएं बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जिनका श्रृंगार रोज सवेरे सवेरे स्वयं भगवान करते हैं, ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं। अब वो तो श्रृंगार करते हैं, अब कराने वालों का ये क्या स्थिति है कि वो अपने श्रृंगार को कायम रखते हैं या जल्दी ही नष्ट कर देते हैं या श्रृंगार कराने के लिए बाप के पास जाते ही नहीं। अगर हम सवेरे उठकर बाबा के पास नहीं जाएंगे तो वो शक्तियों और वरदानों से हमारा श्रृंगार कैसे करेंगे। यदि हम उसकी मुरली सुनने ही नहीं जाएंगे तो वे हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कैसे करेंगे। ये श्रृंगार सचमुच ही बहुत सुंदर है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो केवल एक से प्रीत रखते हैं वही इस अध्यात्म की ऊंची मंजिल पर चढ़ सकते हैं, जिनका प्यार चारों ओर बिखरा हुआ है वो इस मंजिल को पा नहीं सकते। जो एक बात से संपूर्ण प्यार रखते हैं उनकी सभी श्रेष्ठ आशाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जिन्होंने देहधारियों में अपने प्यार को लगा दिया है, जो मोह ममत्व की माया में उलझ कर दुखी हो रहे हैं, वे तो अपनी शक्तियों को नष्ट ही कर रहे हैं। कुछ आत्माएं पहले इच्छा करती हैं उनको इतने बच्चे हों, फिर बच्चे तंग करते हैं तो चाहती हैं ये मर जाएं, इतनी दुखी हो जाती हैं। ये कलयुग का अंत है। यहाँ अगर आप ममत्व को ज्ञान योग के बल से छोड़ेंगे नहीं तो अब समय आ रहा है जब आपको अपना मोह ममत्व त्यागना ही पड़ेगा और बलपूर्वक मोह ममत्व से मुक्त होने से आत्मा बस नष्ट प्राय जैसी हो जाएगी, उसकी खुशी चली जाएगी, उसे दिल में बहुत दुखों की फीलिंग होगी कि जिनको उसने प्यार दिया वे उसे छोड़कर चले गए, वे उसे तड़पता देखकर कोई मदद नहीं कर रहे हैं, वे तो उसके अपने हैं ही नहीं। और तब आभास होगा जिसके लिए तुमने जीवन लगा दिया वो तो तुम्हारी ओर देखते भी नहीं है। इसलिए बुद्धिमान प्राणी वही है जो सबसे ममत्व निकाल कर एक में प्यार लगा दे। देहधारियों से ममत्व तो जन्म जन्म करते आए, हमें क्या मिला है, सब कुछ गंवा दिया। कई सोचते होंगे ये काम बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, इसकी विधि अति सरल है। यदि विधि को अपना लिया जाए तो ये समस्या समाप्त हो जाती है। और विधि है, पहले तो एक के प्यार में थोड़ा थोड़ा समय भी मग्न होना, और दूसरा जिन आत्माओं से बहुत मोह ममत्व है उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देना। जब हम उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उनको हमसे जाने वाले गुड वाइब्रेशंस प्रेम की फीलिंग कराएंगे, और आत्मा देखने से उनसे मोह ममत्व स्वतः ही कम होता जाएगा। कई आत्माएं तो मोह ममत्व की जंजीरों में इतनी जकड़ी हुई हैं कि उसे तोड़ना भी उन्हें भारी लगता है। मोह की मीठी मार उन्हें मार रही है। जैसे आजकल डायबिटीज एक स्लो पॉइजन बन गया है, वैसे ही मोह ममत्व भी बहुत भयंकर स्लो पॉइजन है जो आत्मा की खुशी को नष्ट करता है, उसे परमात्म प्राप्तियों से दूर करता है। चाहते हुए भी, निश्चय होते हुए भी आत्माएं प्रभु पालना का सुख नहीं ले पाती, यही उलझ कर रह जाती हैं। तो आइए आज सारा दिन अपने सभी मित्र संबंधियों को, विशेषकर उनको जिनसे बहुत ममत्व है, आत्मिक दृष्टि से देखें। ये हमारी आत्मिक दृष्टि उन्हें वाइब्रेशंस का अनुभव कराएगी। स्पेशली भी
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, इस नजर से उन्हें देखेंगे तो उन्हें श्रेष्ठ वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे। और बीच बीच में बाप दादा का अपने पास आह्वान भी करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।